जिसने दिया ये जीवन है उसका, जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका। आओ हम मिलके करें शत शत नमन कौन है 21वीं सदी के आदि श्री अरुण। सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी था, न स्वर्ग था और न अंतरिक्ष था, न दृश्य था, न दृष्टा था, केवल एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहे थे। सृष्टि रचना के उद्देश्य से पूर्ण ब्रह्म ने अपने आप को तीन विष्णु में विभाजित किया। नंबर एक महाविष्णु, नंबर दो गर्वोदकासई विष्णु और नंबर तीन क्षीरदकोसई विष्णु। महाविष्णु से जड़ प्रकृति उत्पन्न हुआ जिसको लोअर एनर्जी कहते हैं, इससे रचने का काम किया जाता है। गर्भोदकासई विष्णु से चेतन प्रकृति उत्पन्न हुआ जिसको हायर एनर्जी कहते हैं, इससे रचना फंक्शन करती है। क्षीरदकोसई विष्णु को ही सुपर सोल परमात्मा पहिलोठा आदिश्री आदि पुरुष ईश्वर पुत्र ईश्वर के सदृश इत्यादि इत्यादि कहते हैं और यही जर्रे जर्रे में समाया। इसी क्षीरदकासई विष्णु परमात्मा पहिलोठा आदिश्री आदि पुरुष ईश्वर पुत्र ने जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को इस्तेमाल करके, यानी कि इसको यूज करके पूरी सृष्टि रचा। यही क्षीरदकासई विष्णु ही संपूर्ण जगत का मूल कारण है। गीता अध्याय 7 का श्लोक 4 और 6 उलट करके देखो। श्रीमद्देवी भागवतम में इसी क्षीरदकासई विष्णु को ही ईश्वर कहते हैं तथा धर्मशास्त्र इन्हें ईश्वर पुत्र कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार पूर्ण ब्रह्म ने अपने पुत्र अर्थात ईश्वर पुत्र के द्वारा ही सारी सृष्टि को रचवाया और ईश्वर पुत्र को ही सृष्टि के सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया। धर्मशास्त्र इब्रानियों अध्याय 1 का श्लोक 2 उलट करके देखो। धर्मशास्त्र ने ईश्वर पुत्र के विषय में कहा कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलोठा है। धर्मशास्त्र
कुलिशियों अध्याय 1 का श्लोक 15 उल्टा करके देखो। आदि श्री अरुण शब्द में दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, अर्थात दो शब्दों का योग है, आदि श्री और अरुण। आदि श्री शब्द का अर्थ है ऊंचा गरिमा या कोई विशिष्ट और प्रसिद्ध। आदि श्री शब्द का एक अर्थ पहिलोठा है, आदि पुरुष है, फर्स्ट बॉर्न भी है, जो ईश्वर पुत्र या ईश्वर को सूचित करता है। दूसरी ओर अरुण शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। इसीलिए आदि श्री प्लस अरुण, कॉम्बिनेशन ऑफ आदि श्री अरुण का अर्थ होता है प्रकाश से भरा ऊंचा गणमान्य या विशिष्ट व्यक्ति, अर्थात ईश्वर पुत्र। लेंथ ऑफ नेम ऑफ आदि श्री 8 लेटर्स। बर्थ स्टार शन सूर्य। राशि मेष राशि। जोडाइक साइन एरिस अर्थात मेष। नक्षत्र कृतिका। आदि श्री की 5 शिक्षाएं हैं। नंबर 1, ईश्वर केवल एक है, इनके केवल एक ही पुत्र और केवल एक ही संदेश वाहक हैं, अर्थात केवल एक ही मैसेंजर हैं। नंबर 2, ईश्वर के लिए प्रेम बिना शर्त के हों, अनकंडीशनल लव, कामना रहित हों, डिजायर फ्री लव, और हमेशा एक ही ईश्वर की अनन्य प्रेम से उपासना करो। नंबर 3, हमेशा प्रसन्न रहो तथा ईश्वर से अपने लिए क्षमा मांगो। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं, अगर मन परिवर्तित हो जाए तो गलत कार्य स्वतः रुक जाएगा। नंबर 4, उस व्यक्ति ने अमरता प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। नंबर 5, ईश्वर का विश्वास योग्य बनो, ईश्वर के सभी नियमों का पालन करो, आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूपेण विकसित हो चुकने पर ही तुम बाहर निकलकर संसार में जीवन व्यतीत करो। तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। आदि श्री मुझको ब्रह्म ज्ञान सिखाने वाले, आदि श्री मुझको ब्रह्म ज्ञान सिखाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। ल
लगन के डोर मेरे खुद से ऐसे बांधे है, जिसे न तोड़ सके आए कितने आधे हैं। लगन के डोर मेरे खुद से ऐसे बांधे हैं, जिसे न तोड़ सके आए कितने आधे हैं। भर मुश्किल में हिफाजत मेरी करने वाले, तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। तुझसा कोई प्यारा मुझे जमाने में, कोई बसता नहीं है दिल के आशियाने में। नहीं तुझसा कोई प्यारा मुझे जमाने में, कोई बसता नहीं है दिल के आशियाने में। आदि शिर खुद अनामिलोक ले जाने वाले, तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे।